वैसे गाइस आई होप यू आर वेल, आई एम वीर। वेलकम टू स्टेलर और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैकेदान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो एक नया महीना आप लोगों के सामने स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे जोश के साथ में इस महीने को स्टार्ट करना, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने वो बरकरार रहे, क्योंकि जो भी काम आप लोग करना चाहते हैं वो इतने शानदार तरीके से होना चाहिए कि हाँ लगे कि मन माने, ऐसा नहीं कि बेमाने मन से किया गया, शानदार तरीके से एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाते हुए आप लोग को आगे चलना है। और जो जो भी चीजें पिछले महीने में क्या क्या कमियां रह गई हैं उनको आप लोगों को इम्प्रूव करना है, और अच्छी आदतें डे बाय डे आप लोगों को अडेप्ट करनी है। इससे आप लोगों की लाइफ जो है वो डे बाय डे काफी ज्यादा इंप्रूव होती रहती है। तो देखिए जिंदगी ना, हर एक जब दिन आप लोग जीते हैं जिंदगी में, तो हर एक दिन आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी देता है नया कुछ करने के लिए। पर लेकिन जब एक महीना आता है तो लगता है कि कुछ नया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर और ज्यादा एनर्जी लेकर आना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग एक नए साल को स्टार्ट करते हैं, वही एनर्जी आप लोगों एक नए महीने को, वही एनर्जी आप लोगों एक नए हफ्ते को, और वही एनर्जी आप लोगों एक नए दिन को स्टार्ट करने में अगर आ गई, तो हर एक दिन जो है वो आप लोगों के लिए न्यू ईयर का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलो कि हर एक दिन को अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर सको। तो काफी शानदार, काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। सुनकर डिस्कशन आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, और इसी के साथ में ये जो पोर्शन है डिस्कशन का दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, माइंड ब्लोइंग है, काफी कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को, और सेकंड पोर्शन में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन अच्छे से सुनिएगा, जो क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, अच्छे से उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। और डेली दो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, एक तो करंट का होता है और दूसरा स्टैटिक का होता है, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अगर आज तक आंसर नहीं लिखे हैं तो एक दूसरे का आंसर सीखकर आप लोग लिख सकते हैं, तो काफी कुछ नया जानने को मिलता है फिर एक दूसरे से। बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर यहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उसके भी आप लोगों को यहाँ पर आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। कल एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड की थी इंपॉर्टेंट डे एंड थीम्स की, इसको भी आप लोग देख लेना अक्टूबर महीने की। और इसी के साथ में अक्टूबर महीने की जो कंबाइन आप लोगों की जो वीडियो है मंथली वो जल्दी आएगी, उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोग इसका आंसर दे पाते हैं मेरे आर्टिकल डिस्कस करने से पहले तो काफी अच्छा लगेगा मुझे, यानी कि जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ही। अगर पूछूं आप लोगों से रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ होता है वर्सेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरीके से अगर आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू के अंदर भी, तो आप लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे और क्या इसके बारे में बोलोगे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से बोलते हैं कानून का शासन, और इस नेक्स्ट बोला जाए तो यहाँ पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हिंदी में भी मैं आप लोगों से बात करूं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, आर्टिकल भी यहाँ पर इससे रिलेटेड खासकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तब तक देखता हूं आप लोग क्या आंसर दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखिए, ठीक है। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, बोले गए इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो नॉर्मली कम दोस्त रखते हैं अपने, ठीक है। जो कम दोस्त रखते हैं इसका मतलब ये कि अगर कम दोस्त रखे हैं तो सेलेक्टिव दोस्त रखेंगे, किस तरीके से कि हाँ अगर टाइम पड़े तो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ऐसा नहीं कि जो भी मिला उसको दोस्त बना लिया। पर लेकिन इससे कंडीशन क्या होती है, इससे ये होती है कि आप लोग एक अच्छे माहौल में रह पाते हैं, अगर एक अच्छा माहौल रखते हैं, कम दोस्त रखते हैं, तो आप लोगों की एक प्रोग्रेसिव थॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए घर पे कुत्ता भी लेकर आएंगे तो उसके बारे में दुनिया भर की रिसर्च करेंगे इंटरनेट पर कि ये ब्रीड होनी चाहिए, इस तरीके का ये रहेगा, वो रहेगा, क्या दिक्कत, सारी चीजें सर्च करेंगे। पर लेकिन रियलिटी में जब कोई दोस्त बनाने की बात आती है तो रास्ते में मिल गया कोई, उसके साथ में दो बातें कि हाँ तुम भी बीड़ी सिगरेट पीते हो, हाँ भाई हम भी पीते हैं, शराब दारू, हाँ भाई बिल्कुल पीते हैं, अरे यार तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, आओ चलो दोस्ती करते हैं, तो आप लोगों को ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि एक ऐसा इंसान जो आपको की लाइफ पर, आप लोगों के माइंड सेट पर, आप लोगों की सोचने के तरीके पर, आप लोगों के काम करने के तरीके पर इतने सारे इंपैक्ट डाल सकता है कि वो आप लोगों की जिंदगी को एक काफी अच्छे लेवल पर भी पहुंचा सकता है और काफी बर्बाद लेवल पर भी पहुंचा सकता है। तो इस तरीके के इंसान को हम लोग रैंडमली पिक कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा दोस्त होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर आप लोगों को इंसानों को जिंदगी में अपना दोस्त बनाना चाहिए। और बुद्धिमान इंसान तो ये बोलते हैं, अगर किसी इंसान की आप लोगों को सक्सेस देखनी है, आप लोग जानना चाहते हैं कि कितना आगे जाएगा, उसके तीन चार दोस्तों को उठाकर देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा इस इंसान का लेवल क्या है। तो इसलिए हमेशा कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ में अपना टाइम वेस्ट करना है, सही इंसान जिंदगी में होना चाहिए जिसमें लगे आप लोगों की हाँ ये इंसान जो है वो टाइम देने लायक है, ठीक है। तो ये है बेसिकली बातें, आई होप कि आप लोगों को कुछ जानने को मिला और इसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, ठीक है।
एडिटोरियल है काफी इंपोर्टेंट, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नए लगेंगे, उनको आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और लिखकर चीजों को देख लेते हो तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाते हो। ये जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये पेगासस वायरस के बारे में वैसे तो आर्टिकल, पर लेकिन इसके अंदर जब आप लोग पढ़ेंगे ना, पढ़कर मजा आ जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट बचने की कोशिश करेगी तो कोर्ट के पास में क्या क्या हथियार है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। और अभी आप लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, जो यहां पर कि अगर नहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ लिया जाए तो इंक्वायरी क्या होगी, वो सब जो क्वेश्चन नहीं आता वो, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल से आप लोग निकल कर आते हैं। तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बारे में, वो भी यहीं से ही निकल कर आएगा। और भी तमाम बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा जो कि आर्टिकल से काफी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों की देखने को मिलेगी। तो प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, यहां पर जो साइड वाला आर्टिकल है, ये एमजी नरेगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमजी नरेगा क्या है, कब इसको स्टार्ट किया गया था, अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, तो सारी बैकग्राउंड चीजें जानने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को करंट प्लस स्टैटिक जानने को मिलेगा, तो अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी ये स्कूल यहां पर ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल तो ओपन हो रहे हैं तो उनको यहां पर बेसिकली बच्चों को खाना मिलेगा मिड डे मील स्कूल के तहत, पर लेकिन दिक्कत ये भी कि अभी बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया गया, तो उसी के बारे में कंसर्न दिखाया गया है। तो कुछ बातें जानेंगे यहां पर, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अगर आप लोग कल को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसके बारे में समझेंगे। SARS-CoV-2 के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, और रियलिटी में तो SARS-CoV-2 के बारे में क्या, एक किताब के बारे में बात की जा रही है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट किताब हो जाती है, खासकर COVID-19 के बारे में बातें कर रही है, तो उस किताब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बोल सकते हैं इस बुक के राइटर ही ये यहां पर बेसिकली इस आर्टिकल के राइटर हैं, और किताब का प्रचार किया जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं। पर हां, किताब के बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें, एक ऐसे नहीं कि अगर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए देश के अंदर या नहीं होनी चाहिए, पास्ट में इसके ऊपर निबंध, इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। पर लेकिन डेथ पेनल्टी के जो मरीज हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में आर्टिकल, थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल है मतलब, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। कई सारी तमाम बातें आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर आज के डेट में भी डेथ पेनल्टी यानी कि एक तरीके से उम्र कैद, फांसी की सजा, ये सब दी जाती है, तो उसके बारे में समझेंगे। ये साइड में जो आर्टिकल है यहां पर, ये साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एक तरीके से बताने की कोशिश करिए डीएमके के बारे में, ठीक है। तो उस तरीके से है, बस अपना चीजें सही चल रही हैं अभी, तो जो भी है। तो ये एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है उसके बारे में डेटा पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी यहां पर जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है यूएसए के बारे में, बेसिकली तो यूएसए के बारे में, पर कुछ पॉइंट है यहाँ पर जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर, चलिए बाद में बताऊंगा इन पॉइंट को, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुका, पर फिर भी एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोग समझे भी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आगे बढ़ने से पहले ये बोलनी थी कि आगे आने वाले टाइम में जो मैं आप लोगों को इस तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर दिखाता हूं कि ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहां पर है कि हिंदू की साइड से मेरे पास से मेल आया और वे बोलते हैं कि आप हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जो एडिटोरियल हैं, उस तरीके से उनकी ये क्लिप्स वगैरह आप लोग नहीं दिखा सकते। यानी कि बेसिकली उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने तो ये बोला, फिर फोन पर मैंने बात की कि आप लोग पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई भी क्लिप नहीं दिखा सकते, ठीक है। पर फिर भी जो मेन है उसको कोशिश करूंगा जितना कम दिखाया जाए, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह कि एक तरीके से ये बिल्कुल इलीगल है, तो इसमें वो बहुत बड़े एक्शन ले सकते हैं, ये उनका कॉपीराइट कंटेंट है, मतलब एक तरीके से हम लोग इसको नहीं दिखा सकते इस तरीके से। तो उसमें मेल किया है उनके द्वारा, तो उसमें मैंने जो बस फिर उनसे बातें की तो ये बोला कि ये हमारा पर्सनल यूज के लिए कंटेंट होता है, आप ऐसा नहीं कि किसी को न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा दो या न्यूज़पेपर आप लोग वीडियो के अंदर दिखा दो, ये सही तरीका नहीं है। जबकि मैं इस तरीके से न्यूज़पेपर आप लोग को दिखा दो, इसमें कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर उसके चलते बोल रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। तो मेल पहले तो ऐसे पहले हालांकि एक दो बार इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें की गई हैं, पर ये है कि ये एडिटोरियल जो होते हैं ये काफी पैसा पे करते हैं, यहाँ पर जो भी राइटर जो है एडिटोरियल लिखते हैं उनको, तो एक तरीके से उनके द्वारा जब पैसा किया जाता है तो वो एक तरीके से उसको कोशिश करेंगे नहीं पैसा लगाया तो पैसा कमा ले भी। तो बेसिक पर्पज ये है कि यहाँ पर इनका कॉन्टेंट इस तरीके से नहीं दिखाना है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर पब्लिकली ये खुद के पर्सनल के यूज के लिए है, ये मेरे पास से मिला है। आप लोगों को याद होगा पहले मैं पीडीएफ भी शेयर किया करता था टेलीग्राम के अंदर में, तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर ये इनके द्वारा हटवा दिया गया था कि बेसिकली टेलीग्राम को टर्मिनेट कर देंगे और वो सब चीजें। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कोई मतलब नहीं है इस तरीके से, जो उनका कंटेंट है उनकी मेहनत है, ये बिल्कुल वैसी हो गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी और वीडियो को बनाकर कोई उठाकर अपने चैनल पर डालते हैं, ठीक है, और इस तरीके से कोई इसको कोर्स के थ्रू बेचने लगे तो वो वाली बात हो जाएगी। तो एडिटोरियल डिस्कस करा करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कोशिश ये करूंगा कि पीपीटी इस तरीके से बनाऊं ताकि जो जो ओरिजिनल न्यूज़पेपर है वो न दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो आगे कुछ चेंजेस आप लोगों को नजर आएंगे, तो ये मत बोलना कि सर ये क्या कर दिया, हालांकि प्रोडक्टिव चेंज होंगे उसमें ऐसा नहीं लगेगा आप लोग कुछ गलत हो रहा है, बस यहाँ पर जो आर्टिकल वगैरह दिखते हैं ये नहीं दिखेंगे आप लोगों को,
देखूंगा किस तरीके से करना है, प्रोडक्टिव लगेगा चेंज, आप लोग उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट में बताया गया एक्सीडेंटल डेथ के बारे में। आज की डेट में रिसेंटली अभी जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया तो एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती थी वो काफी हद तक कम हो गई। क्यों? लोग सड़कों पर ही नहीं उतरे तो एक्सीडेंट की वजह से डेथ कैसे होंगी, तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर जो डेथ थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि नेशनल लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे लगभग 11% के करीब यहाँ पर जो डेथ है वो कंपेयर कम होगी 2019 के साथ में अगर कंपेयर आप लोग करते हो, तो ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं फिर यहाँ पर चीजें बढ़ जाती हैं, कहाँ कहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर डेथ देखने को मिलती है, तो स्टेट वाइज यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीजें, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि हर साल लगभग मोटे मोटे तौर पर 5 लाख के करीब या फिर 4.5 लाख के करीब लोगों की जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 1.5 लाख के करीब ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये माना जाता है कि कई सारे 1.5 लाख के लोग का मतलब 1.5 लाख के परिवार यहाँ पर बर्बाद होते हैं। कई घरों में तो ऐसा होता है कि एक अकेला इंसान कमाने वाला होता है, तो उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो डेटा पॉइंट हल्का सा कहीं पॉइंट यूज कर सकते हो तो कर लो, तो वरना तो कोई बात ही नहीं है, ओके। आइए आगे चलते हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल यार देखो, उनसे डायरेक्ट कई तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कई बार, ठीक है। तो उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बेसिकली बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो जेल में कैद होते हैं। जेल में जो कैद होते हैं वो लोगों के बारे में अगर बात की जाए आज की डेट में, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कंडीशन ऐसी है कि उन लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती है। जिसको बोलो एक मिनट के लिए, सोच के देखो एक मिनट के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको जेल में बंद कर दिया, एक बार को उसकी मेंटल हेल्थ कैसी हो जाती है। पर लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर पता चले कि तुझे फांसी दी जाने वाली है कुछ टाइम बाद में, तो उनकी हालत तो और भी ज्यादा खस्ता हो जाएगी। तो उसी का एक एनालिसिस किया गया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ को भी काउंट करना चाहिए। यानी कि एक इंसान जो है उसकी माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से उसकी साइकोलॉजी काम कर रही है, क्या दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमारी कंट्री में इवन जो कोर्ट है वो भी इसको काउंट नहीं करते हैं। कई बार अगर किसी इंसान ने किसी की डेथ, किसी की जान ले ली है, डेथ कर दी एक तरीके से, उस इंसान की अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो उसको कंसिडर कई बार नहीं किया जाता है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो कंट्री आप लोगों को मैप में दिख रही है ना, ये रेड रेड, ये वो देश है आज के डेट में जहां पर आज के डेट में भी डेथ पेनल्टी है। पर लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेथ पेनल्टी हटा चुके हैं, यानी कि वहां पर फांसी यही सब चीजें सजा नहीं मिलती है, और इसके पीछे कई सारे रीजन भी बताए जाते हैं। अभी आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा, तो ये ऐसे पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है डेथ वर्थ ए मेंटल हेल्थ, जो एक तरीके से ही नहीं, देखिए होता क्या है, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन को अगर जेल में आप लोगों ने डाल दिया, तो जेल में डाल दिया वो क्या क्या दिक्कत है वो आप लोगों को पता ही है। पर लेकिन इसी के साथ में उस पर्सन को डेथ पेनल्टी भी मिली हुई है, तो उसकी और ज्यादा हालत खस्ता हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर डेथ वर्थ ए मेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट थी, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 39, ये जो बेस्ड है यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, इसके द्वारा पब्लिश किया गया। और बेसिकली ये बोला गया कि डेथ पेनल्टी अगर किसी को दी जाती है तो उसकी हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है उस इंसान की, ठीक है। उसकी इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि बौद्धिक विकलांगता आप लोगों को देखने को मिलेगी, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर टोटल ऐसे हमारी कंट्री में मरीज हैं टोटल 88, यानी कि 88 लोग ऐसे हैं जिनको डेथ पेनल्टी की कैटेगरी में रखा गया आने वाले टाइम में। यानी कि एक तरीके से डेथ रोपर हैं, उनको आगे आने वाले टाइम में फांसी की सजा होगी, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। 30 इनमें से ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन में चल रहे हैं आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। इसी के साथ में 19 ऐसे जिनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ एक तरीके से अंदर से डर रहता है इंसान। 3 प्रिजनर इनमें से ऐसे हैं जिनको यहां पर एक तरीके से साइकोटिक जो एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे ऐसे हैं जो कि अटेम्प्ट कर चुके हैं सुसाइड, और 50% ऐसे हैं यहां पर जो कि यहां पर ये बोलते हैं एक तरीके से जिनको सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन कर चुका है। तो एक ऐसे इंसान को जिसकी ऑलरेडी मेंटल हेल्थ ऐसी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और उसको साइकोटिक एपिसोड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साइकोटिक एपिसोड होता क्या है बेसिकली, ये वो होता है कि एक इंसान जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है रियलिटी से, यानी कि रियलिटी क्या है, दुनियादारी क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे 3 जो ये लोगों को यहाँ पर मरीज देखने को मिलेंगे, यानी कि पागलपन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उस वाली कंडीशन में पहुंच चुके हैं। तो जिंदा रहना और उनके लिए मर जाना, उनको डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा। आप लोग उनको फांसी पे लटका दोगे तो उसको कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो ये बातें बोलने की कोशिश की गई है। तो जो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में इंसान पहुंच चुका है, तो उस इंसान को फांसी देना कितने हद तक सही है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करनी चाहिए।
फांसी देने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो है जो मेंटली एक तरीके से काफी ज्यादा इल है, मानेंगे एक तरीके से उनको एक क्रूरता क्रूर इंसान है, उसको किसी की जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो ये नहीं पता है खुद इनकी जान कहां पर अटकी पड़ी है आज के डेट में, तो इनको फांसी देने का क्या मतलब बनता है। 11% ऐसे हैं जो डेथ रो के अंदर है, उनको इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी हो चुकी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब उनकी बौद्धिक विकलांगता हो चुकी है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मोस्ट ऑफ देम जो है यहां पर एक तरह से इंटेलेक्चुअल एक तरह से फंक्शनिंग जो है उनकी डेफिशिट में चल रही है काफी लार्ज स्केल पर, मैक्सिमम की सोचने समझने में वो कैपेबल ही नहीं है आज के डेट में। तो इसके चलते यहां पर अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट ये बोलता है अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर कोई ऐसी कंट्री में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको डेथ पेनल्टी के लिए काउंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक तरीके से प्रोहिबिट कर देना चाहिए, डेथ पेनल्टी वो पार्ट नहीं होना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द कंट्री यहां पर करती है, पर मैक्सिमम कंट्री ऐसी है जो इस चीज को नहीं मानती है, ठीक है। तो मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है यहां पर ये काफी एक तरीके से चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं जब डेथ पेनल्टी की बात आती है, यानी कि एक इंसान ने किसी के साथ में रेप किया, एक इंसान ने किसी की जान ले ली या कोई ऐसी हरकतें करी जो कि जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है, अब वो इंसान ऐसा था जिसकी खुद की मेंटल हेल्थ हालत सही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया और बोला गया कि यहां पर वो एक तरीके से नशे का शिकारी है, तो उसको जेल में डालने की बजाय उसको आप लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए जहां पर उसको ठीक किया जा सके। तो ऐसे ही कोई मेंटल हेल्थ का अगर कोई मरीज है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है तो उसको जेल में डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसकी जो मानसिक हालत है वो ऐसी ही नहीं है कि उसको जेल में डाला जाए, उसको तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए, उसका तो इलाज होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको काउंट करना चाहिए जब जज कोई जजमेंट देता है। तो पर्सन विद जो मेंटल इलनेस है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक विकलांगता अगर उसकी देखने को मिल रही है तो इनको काउंट कर चलना चाहिए अगर यहां पर, ठीक है। तो वही हमारा एक तरीके से कहीं ना कहीं बोलता है कि फेयर ट्रायल उसी में होगा, और यही हमारा संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलती हैं, जैसे कि यहां पर अगर इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बोलूं कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर दो। आखिर डेथ पेनल्टी को अबोलिश क्यों करते हैं, यानी कि इंसान की जान लेने का हक हम लोगों को नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि नो स्टेट शुड हैव द पावर टू टेक ए पर्सन लाइफ। क्यों? क्योंकि पर्सन की लाइफ लेने के बाद में वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, ये एक तरीके से इरिवोकेबल है। किसी को जेल में डाल दिया 15 साल, ठीक है छूटकर आ गए उसके बाद में, ये एक बार को समझ में आता है पनिशमेंट उसको दे दिया, ठीक है, उससे बहुत बुरी तरीके से काम करवा रहे हैं, ठीक है, उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे रखा है उसकी गलती का, वो समझ में आता है। पर लेकिन जान ले लेना किसी पर्टिकुलर पर्सन की, इससे कोई एक सोल्यूशन नहीं है। और डेथ पेनल्टी तो अगर आप लोग बोलते हो ना कि एक इंसान को डेथ पेनल्टी दे दो उसने रेप किया है, इसके चलते भी दुनिया भर के केस रेप के आज के डेट में भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डेथ पेनल्टी इंसान को डराती भी नहीं है। तो एक रिग्रेस इंप्रिजनमेंट इंसान को डरा सकता है एज कंपेयर टू डेथ पेनल्टी, तो डेथ पेनल्टी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी को सेफ नहीं रखती एक तरीके से, इट डज नॉट कीप सोसाइटी सेफ, और इट इज अनफेयर, ये अनफेयर है। नेचुरली किसी इंसान को हम लोग पैदा करते हैं तो एक तरीके से उसकी जान ले ली जाती है, तो एक तरीके से अगर उसकी जान ले ली तो फिर उस इंसान को फिर से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नॉट ऑल मर्डर विक्टिम जो है, जो एक तरीके से फैमिली जो है वो डेथ पेनल्टी चाहती है, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी के गलत हो गया, किसी के घर में किसी इंसान ने कर दिया, तो हर एक इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि इसको डेथ पेनल्टी ही दे दो, पर लेकिन फिर भी कानून के अंदर व्यवस्था रहती है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसके चलते यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो कई बार फैमिली जो है कई बार दिक्कत भी फेस करती है इसकी वजह से, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक तरीके से कई तरीके की चीजें होती है, तो डेथ पेनल्टी इज नॉट ए गुड ऑप्शन। इनह्यूमन है यहां पर, काफी क्रूर है यहां पर, जिसने किसी को मारा है तो हम भी किसी को मार रहे हैं, तो उसने किसी को मारा है हम उसको मार रहे हैं, तो ये तो वही हो गया NIN4I, ठीक है, यानी कि एक आंख के लिए एक आंख निकाल लेना, तो ऐसे तो पूरी दुनिया जो है ब्लाइंड हो जाएगी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बेसिकली कोटेशन भी यूज की गई थी, ठीक है, यानी कि NI4NI विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि पूरी दुनिया को अंधा बना देगी अगर आंख के बदले आंख लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी किसी ने मेरे साथ में अगर गलत किया तो मैं उसके साथ में गलत करूं, ये सही तरीका नहीं है, एथिकल नहीं है ये, उसमें और तुम में डिफरेंस क्या रह जाएगा अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है यहां पर, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है यहां पर, अगर किसी देश में ये है तो इंटरनेशनली ये बोलते हैं इसको हटा दो। तो यहां पर बोला गया कि इनइफिशिएंट, ये इनइफिशिएंट वे है यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया कि एक ये पॉसिबिलिटी भी खत्म कर देती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बर्बाद है, ऐसी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, तो इसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना चाहिए जहां पर इंसान को सही किया जा सके अगर वो मानसिक की बीमारी है, तो वो वाली चीजें भी यहां पर खत्म कर देती है। तो जब इतनी सारी इंपैक्ट यहां पर इसके पड़ते हैं तो इसलिए डेथ पेनल्टी बहुत सारी देश ऑलरेडी हटा चुके हैं, पर हमारी कंट्री वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है आज के में उन देशों में जो कि काफी लार्ज स्केल पर डेथ पेनल्टी देते हैं, यानी कि हमारे यहां तो यह कि लटका दो बस, ठीक है, तो वो वाली बात है। पर यहां पर राइटर ये बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है,
इसको कंसिडर करना चाहिए कि किसी इंसान को फांसी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर जैसे कि कसाब जैसा इंसान है, ठीक है, उसको पकड़ा गया तो वो बोल रहा है कि मेरे रहनुमा है उन्होंने ये बोला कि अल्लाह में तुम्हारी रूह जो है जन्नत में जाएगी, ठीक है, तो उसका तो माइंड जो है बिल्कुल वोश कर रखा है, ठीक है। ऐसे इंसान को रिहेबिलेशन सेंटर में भेजने का कोई मतलब नहीं, उसको निकालोगे फिर ऐसी हरकतें करेगा, उसको तो ब्लैंक पॉइंट पर शूट करना चाहिए खड़ा कर, ठीक है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन ऐसा इंसान जो मेंटली इल है, मेंटली इल मतलब उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो वाला जो इंसान हो गया उसको कम से कम एक तरीके से थोड़ा सोचना चाहिए। जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है, कुछ ऐसी चीजों में चल रहा है, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे मुद्दे होते हैं लिखने वाले। आप लोगों से कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है कि आपको क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी वगैरह होनी चाहिए, इसके ऊपर कई बार ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट होते हैं कि आप लोगों को एक मिड पाथ लेना चाहिए कि एक्सट्रीम कंडीशन अगर कोई हो तो उसमें डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। और ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी कंट्री में जो अभी जस्टिस वर्मा जो रिपोर्ट भी थी उसमें भी कई सारी ऐसी बातें बोली गई थी कि हाँ रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आप लोग डेथ पेनल्टी रख सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बड़ी नॉर्मल तरीके से कि किसी को भी आप लोग डेथ पेनल्टी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर वही जो रिपोर्ट है उसके पॉइंट्स आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बुद्धा वाला पाथ फॉलो करो एग्जाम में, आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि इंडियन पिनल कोड भी यहां पर राहत नहीं देता आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग बेसिकली इसको काउंट कर सको ढंग से मेंटल हेल्थ को, क्योंकि काफी लंबे से पुराने हम लोग इंडियन पिनल कोड फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली शत्रुघ्न चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का, तो उसमें भी यहां पर इसको कंसिडर नहीं किया गया जबकि बोला गया था कि कंसिडर करना चाहिए। तो यहां पर एक तरीके से अगर किसी को भी यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है तो चीजों को काउंट करना चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, तभी आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। इसी के चलते यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बात करो यहां पर कि साइकोलॉजिकल अप्रोच अगर लेकर यहां पर चले जाएं कि कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है चीजों को, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसके बारे में गाइडलाइन भी दी गई है कि हां इनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फॉलो नहीं होती है तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस में अगर बात करें, केस के बारे में आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस, तो इसमें कई सारी बातें बोली हैं कि साइकोलॉजिकल अप्रोच आप लोग यहाँ पर लेनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है किसी डेथ पेनल्टी को एग्जेम्प्ट करना चाहिए अगर मेंटली कोई इल पर्सन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो लीगल मेडिकल प्रोफेशनल उनको भी यहाँ पर काउंट करके चलना चाहिए अगर किसी की ऐसी हरकतें हैं तो किस तरीके से उसको देखना है। वल्नरेबल अगर यहाँ पर है, ठीक है, मेंटल इलनेस आर वल्नरेबल टू द वॉयलेशन ऑफ देयर राइट, ठीक है, तो एक तरीके से एक अलग ही लेवल पे इंसान है, क्या उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके चलते इसके ऊपर डिस्कशन भी होना चाहिए, यानी कि जो ये रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है जिसमें बातें बोली गई हैं इसको ये बोला जा रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करो। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोग अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले इस रिपोर्ट के बारे में तो इसके बारे में आप लोग आइडिया भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल थे यहाँ पर, और इसी के साथ में अगर बात करें तो बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में। तो आर्टिकल 21 आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे संविधान के अंदर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो जब इस किसी इंसान को आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जिंदगी जी नहीं सकते तो जिंदगी छीन रहे हो तो ये कहां तक सही है, तो ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। आगे जो आर्टिकल आने वाला है ये काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और डिफरेंट एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये हाई कोर्ट के खुद जो है बेसिकली ये एडवोकेट भी है जिनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले क्या होता पेगासस के बारे में बात की थी, तो पेगासस के बारे में यहाँ पर आरोप लगाया गया था यहाँ पर कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा पेगासस के सर्विलेंस में रखा गया, उनके फोन वगैरह को चेक किया गया जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमेटी सेटअप कर दी। वो जो कमेटी थी उसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा जस्टिस आरवी रंजन जो बेसिकली यहां पर एक्स जो यहां पर ये चीफ जो एक्स यहां पर जज है तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो याद रखिएगा जस्टिस आरवी रविंद्रन, तो ये जो कमेटी है यहां पर ये देखेगी साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है। इसी के साथ में डिजिटल फोरेंसिक नेटवर्क क्या क्या है, किस तरीके से क्या क्या चक्कर चलता है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल आप लोगों को यहां पर मेंबर भी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में और भी मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी क्या क्या बातें की जा रही है उनको समझ लेते हैं। एक कमेटी जब यहां पर बनाई गई तो उस कमेटी के अंदर जैसे मैंने बताया भी यहां पर अभी 27 अक्टूबर को ये कमेटी बनाई गई। तो ये जो कमेटी बनाई गई तो रविंद्रनाथ यहां पर इसके चीफ रखे गए, बाकी आलोक जोशी और ये बेसिकली जो सुदीप ओबरॉय है, तो ये मैंने आप लोग को दिखाया यहां पर, ठीक है। ये यहाँ पर इसके मेंबर हैं और ये टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं जो इसको देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये एक कमेटी और है जो वेस्ट बंगाल के द्वारा बनाई गई थी। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये है जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में, ठीक है। और फॉर्मल कथकथा के हाईकोर्ट जिनका नाम था यहाँ पर ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, ये भी यहाँ पर इसके पार्ट थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई और ये जो बनाई गई थी यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के द्वारा यहाँ पर सेटअप की गई थी। तो इसी के चलते क्यों यहाँ पर ये सारे मुद्दे निकल कर आए, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली हुआ क्या था, एक पर्टिकुलर एक ग्लोबल जो
कंसोर्टियम मीडिया है उसके द्वारा, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे मीडिया हाउसेज इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च की, एक स्टडी की, एक इन्वेस्टिगेशन की। उसमें यह पता चला कि लगभग 50,000 के करीब लोग ऐसे हैं आज के में जिनका एनएसओ ग्रुप का जो पेगासस वायरस है उसके चलते उनको बेसिकली अपने कंट्रोल में रखा जा रहा है, यानी कि उनके फोन को अपने कंट्रोल में रखा जा रहा है। तो बोला यहां पर यह गया कि इस तरीके से जब फोन को उनके कंट्रोल में रखा जा रहा है तो मुद्दा यहां पर यह निकल कर आया पेगासस वायरस के बारे में कि यार ये पेगासस वायरस तो जो है ये एक तरीके से काफी सारे लोगों को बर्बाद कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं आज की डेट में उनके फोन में अगर चला जा रहा है तो एक तरीके से अपने कंट्रोल में सारी चीजें ले ले रहा है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर ये जो 50,000 लोग थे कईयों लोग हैं इंडिया के अंदर ही पाए गए, पर लेकिन एनएसओ ग्रुप ये किसका है ये याद रखना, ये इजराइल की कंपनी है। इजराइल की कंपनी ने ये बोला कि हम लोग ये ओनली गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं किसके लिए, हम लोग देते हैं टेररिज्म के साथ में फाइट करने के लिए। तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये नहीं दिया जा सकता, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, ये बस गवर्नमेंट ही ले सकती है, वो भी टेररिज्म को अपने टेररिज्म के साथ में लड़ने के लिए, ठीक है। पर देयर इज नो गारंटी कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इसको यूज करेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि अभी आप लोगों ने कमेटी तो बना दी, पर लेकिन इस कमेटी के सामने क्या गवर्नमेंट आकर मुंह भी खोलने वाली है कि हाँ हम लोगों ने ऐसा किया है, हम लोगों ने ऐसा किया, ये इसलिए किया है। तो यहां पर पैनल के सामने अगर वो आ भी गए और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या करेगा, यानी कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट ने कमेटी बना भी दी है तो कोर्ट क्या करेगा इस कमेटी को बना के। तो इसके बारे में बात की जा रही है। जो पॉइंट मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुनकर भी उनको मजा आएगा, ठीक है। पर लेकिन उससे पहले यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आप लोग सुनिए, बात की जा रही है रूल ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अगर कोई भी काम करना है तो आप लोगों को उस तरीके से वो काम करना है कि एक तरीके से कानून के दायरे में है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आर्टिकल 21 के अंदर जब संविधान में आप लोग जाएंगे तो ये पार्ट थर्ड में देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक पार्ट थर्ड में आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। तो सॉरी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। 36 से फिर आप लोगों की डीपीएस भी स्टार्ट होती है। तो इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कोई भी काम अगर आप लोगों को करना है तो वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू करना है। यानी कि अगर किसी पर्सन की आप लोगों को जैसे लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करते हैं अगर उससे डिप्राइव करना है तो ये एक प्रॉपर कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आए और अपने हिसाब से काम करके चला जाए, ठीक है। तो यहां पर एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसीजर है उसको आप लोगों को फॉलो करना है। तो यहां पर वो ये कैसे भी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल, यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और उचित होना चाहिए, तभी इसका कोई मतलब बैठता है, ऐसा नहीं कि आप लोग मनमानी करोगे। तो डिक्टेटर नहीं बनना है, तो ड्यू प्रोसीजर यानी कि उचित प्रक्रिया फॉलो करनी है। और इसी के साथ में आप लोग क्या फॉलो करना है, यहां पर बेसिकली आप लोगों को फॉलो करना है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आप लोग कानून के शासन को फॉलो करना है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है कानून के शासन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो डिक्टेटर बन चुका है, वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझ रहा है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, यानी कि जो भी रूल हमारी कंट्री बना रखे है किसी का सर्विलेंस करना है या फिर नहीं करना है तो गवर्नमेंट उन रूल को फॉलो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उन रूल से ऊपर उठकर चीजों को अपने हिसाब से लेकर चल रही है। तो ये रूल ऑफ लॉ लाया इसलिए गया था ताकि डिक्टेटरशिप को रोका जा सके कि सब जो है कानून के दायरे में आए चाहे कोई भी क्यों ना हो, और जो पर्टिकुलर पर्सन है प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट ऑफ द पीपल यानी कि जो लोग हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। पर लेकिन अभी यहां पर अगर बात करते हैं तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 में, किस केस के थ्रू बताया गया, वो केस का नाम आप लोगों को बताना है। प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो आर्टिकल 21 में आता है ये। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसकी एक तरीके से प्राइवेसी को छीन सकते हैं, ये आप लोगों के हक में नहीं है, ठीक है, आप लोगों के हाथ की बात नहीं यहां पर, क्योंकि रूल ये बोलता है कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। और इवन इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा बोला गया कि एक तरीके से कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कि आप लोग यहां पर बिल्कुल चुप बैठे रहोगे, तो म्यूट एक्सपेक्टेटर बनकर नहीं बैठना है कि हाँ आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बोल दो कि हम लोगों ने इनका सर्विलेंस किया है, ठीक है। और प्राइवेसी का जब मुद्दा आता है तो वो किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई एक्टिविस्ट है या फिर कोई पर्टिकुलर अपोजिशन का लीडर है या फिर कोई और बड़ा कोई डिग्नेटरी है उसकी प्राइवेसी के बारे में ओनली बात करेंगे। प्राइवेसी का मतलब ये कि हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी, आप लोग किसी की जिंदगी में झांक ही नहीं सकते हैं उसकी परमिशन के बगैर, तो ये है बेसिकली प्राइवेसी का मुद्दा। तो ये मुद्दा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसी भी यहां पर चीजें बेसिकली बोली जाती है, ठीक है। तो केस जो है यहां पर अगर बात करें फिलहाल अभी अगर बोला जा रहा है तो इसमें कई सारे हर्डल है, कमिटी आप लोगों ने बना दी, ठीक है, चलिए सही है, कमिटी आप लोगों के सामने है। पर लेकिन यहां पर अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही ना करे कि उन्होंने इलीगल सर्विलेंस किया है, ठीक है,
वो उसको बोले ना, वो एक तरीके से अब तक भी उसने उसके ऊपर हामी नहीं भरी है एक बार भी, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर लेगा यहां पर अपना ट्रुथ को निकलवाने के लिए, कोर्ट क्या कर सकता है, तो ये बातें बोलेगी। दूसरा यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात करें तो यहां पर बोला जाता है कि एक तरीके से कि लिमिटेड चीज है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट लगाई जा सकती है, ठीक है, ताकि अगर यहां पर चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इन डेमोक्रेटिक अगर कंट्री में आप लोग बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ को बेसिकली फॉलो करने की बात की जाती है जजों के द्वारा, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो बेसिकली फॉलो किया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इसके बारे में कई बार बातें की जाती है। एक बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हम लोगों ने किस कंट्री से लिया है, यानी कि अगर संविधान जो हम लोगों ने बोरो किया है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किससे लिया गया है। चलिए वीडियो को पॉज कर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे, फिर देखता हूं मैं किसके द्वारा सही आंसर दिया गया है, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसके हम लोगों ने लिया है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रूल ऑफ लॉ जो हम लोगों ने लिया है ये लिया है ब्रिटेन से, यानी कि यूके से, ठीक है। पर लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू चीजों को आप लोगों को फॉलो करना है, ये हम लोगों ने किससे लिया है, ये लिया हम लोगों ने जापान से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग, ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, ठीक है। अगर मैं पूछूं हमारे देश में अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर जो है हम लोगों ने कौन सी कंट्री से ली है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा यहां पर कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी यहां पर जो पूछा गया था वो रेजिडुअरी पावर के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि रेजिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास में होनी चाहिए, यानी कि अवशेष पावर जो है वो सेंटर के पास में होनी चाहिए। तो कहां से हम लोगों ने लिया, तो वो कनाडा से लिया है। तो ये सारी चीजें कहां कहां से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, पॉलिटिकल जब लेक्चर देखोगे, जब सारे लेक्चर मैंने पॉलिटिकल बनाए हैं उसमें ये वाला लेक्चर मैंने अलग से लिया है पूरा, जिसमें सारी बातें बताई हैं। तो रिवीजन कर लेना, जिसको पता है वो टाइम वेस्ट मत करना, जिसको नहीं पता है वो रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के सामने जो यहां पर बताने जा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, गवर्नमेंट को पहले तो इनके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है, यानी कि पहले आप लोग ये वाला देखिए, यहां पर अगर कल को जो गवर्नमेंट है यहां पर वो बचने की कोशिश करती है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने चाहिए। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, गवर्नमेंट से डायरेक्ट पूछा है कि गवर्नमेंट आंसर देने के मूड में नहीं है, गवर्नमेंट बच रही है कि क्या क्या चीजें हैं। तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले तो ये होता है यार, तुमने ये जो पेगासस वायरस है ये इजराइल की जो NSO कंपनी है उससे खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये होना चाहिए कि आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंडियन सिटीजन के फोन में यूज किया है या फिर नहीं किया है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर हां तो क्या आप लोगों ने जो लॉ है हमारे देश में उसको फॉलो करते हुए इसको यूज किया है, ठीक है। उसी के साथ में कि जो रीजन है यहाँ पर एक तरीके से क्या उसके लिए जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों के पास में ऑथराइजेशन है कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो आप लोगों ने काम किया है को क्या वो आप लोगों ने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से किया है, बस ऐसे ही कि हम लोग पावर में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऐसे किया है, ठीक है। तो अगर इनके बेसिस पर यहां पर अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट फिर भी यहां पर इनके सवाल का आंसर नहीं देती है तो फिर आप लोग क्या करो, जिसने भी पिटीशन डाली उसकी पिटीशनर की जो पिटीशन है उसको आप लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट का वो मान लो वायलेशन, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करती है, ठीक है, कमेटी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है, तो फिर क्या करो आप लोग इसको एक तरीके से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ले जाओ और फिर डिक्लेयर कर दो कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह गलत है, ठीक है, और उन्होंने बेसिकली फॉलो नहीं किया गया प्रॉपर पैटर्न, ठीक है, और गवर्नमेंट को बोला जाए कि सारे जो मटेरियल है उनको डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है, कहां से परचेज किया, क्या परचेज किया, फिर पूछना नहीं है कि उन्होंने परचेज किया नहीं किया, फिर उनको बताने कि जो परचेज किया वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे सामने लेकर आओ, ठीक है। गवर्नमेंट बचने की कोशिश पूरी करेगी, वो हमेशा बच जाती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप लोग हमेशा नहीं बच सकते, क्योंकि ये पुरानी बात है, जब भी गवर्नमेंट से कुछ पूछो तो वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आनन फानन में निकल जाती है बोलकर, तो ये ऐसा अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देश की कंट्री सेफ्टी के नाम पर सही है, कोर्ट भी कई बार यहां पर साथ देता है, ठीक है। अगर आप लोग बात करें तो यहां पर कई बार ऐसे मामले होते हैं कि न्यायालय क्या होता है वो यहां पर कई बार कई लेवल पर जाकर यहां पर एक तरह से नहीं कहते अपने दायरे से बाहर जाकर भी, यहां चलो कोई नहीं, गवर्नमेंट है देश के भले के बारे में सोच रही है तो उसकी हेल्प करता हुआ कोर्ट भी नजर आता है, पर लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है हेल्प करने लायक, क्योंकि इसमें कंप्लीटली अपने फायदे के लिए यहां पर ये हरकतें की गई, तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो कोर्ट को भी प्रॉपर काम यहां पर करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें अगर एजेंसीज के बारे में इसके द्वारा खरीदा गया ये सारी चीजें, ठीक है, तो प्राइवेसी का ये काफी ज्यादा हनन कर रही है और एक तरीके से बोला ये तो हो जाता है कि हाँ इलीगल नहीं है सर्विलेंस, पर लेकिन किस पर्पज के लिए सर्विलेंस कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो बोला गया पहले तो आप लोग यहां पर क्या होना चाहिए, लेजिस्लेशन के बेस पर काम करना चाहिए, ठीक है।
तो एक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लेजिस्लेशन, यानी कि जो हरकत आप लोगों ने की है क्या उसके लिए रूल है हमारे देश में ऑलरेडी, या फिर अपनी मनमानी आप लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट मस्ट शो द कोर्ट कि हाँ एक तरीके से कि क्या एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन उसके द्वारा लगाई गई है, ठीक है, कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट यहां पर चीजों को फॉलो कर रही है, ठीक है। तीसरा यहां पर जो ये बोला गया काफी इंपोर्टेंट है, बोला गया कि अगर कोई पर्टिकुलर राज्य है, ठीक है, और वो प्रदर्शित करना चाहता है कि उसका उद्देश्य क्या था इसको प्राप्त करने का, ठीक है, तो ये एक तरीके से तब उसके द्वारा यहां पर दिखाना है कि उसके पास दखल देने के यहां पर सही साधन उपलब्ध है, ठीक है, तो उसको फॉलो कर रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये गलत बात है यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर बोला गया है। उसी के साथ बोला कि राज्य को यह भी यहां पर देखना चाहिए कि जो लगाई गई सीमाएं जो उसने उपयोग किए यहां पर वो तर्क संगत होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से जब डिबेट डिस्कशन करने की बात है कि हां भाई साहब मैंने काम गलती से कर दिया तो वो एक अलग बात है, पर बोले कि नहीं मैं तो 100% सही और सही तरीके से मैंने काम किया है और उसके बाद भी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है तो वो फिर सोचने के लिए मजबूर करती है, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना भी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, पहले 7 थे पर लेकिन एक यहां पर हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसको हटाकर यहां पर एक लीगल राइट बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये इंडियन और बाहर वाले लोगों के लिए यहां पर इंप्लीमेंट होता है, ये भी अभी यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया। तो इक्वलिटी जो यहां पर राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 तक आती है, राइट टू फ्रीडम जो है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और इसी के साथ में राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करें 44th क्वेश्चन अमेंडमेंट के चलते यहां पर यह किया गया कि यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार, आप लोगों के पास में प्रॉपर्टी रखने का कानूनी अधिकार है, तो ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट है और ये ऑल द सिटीजन जो यहां पर इंडियन सिटीजन और बाहर वालों के लिए भी है। तो राइटर जो है वो खुश नहीं है कहीं ना कहीं जो यहां पर अभी प्रक्रिया देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात पेगासस वायरस के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो पेगासस वायरस बेसिकली पेगासस एक घोड़ा है यहां पर एक तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके नाम से इसको निकाल कर लाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो वायरस है ये जीरो क्लिक वायरस है, यानी कि आप लोगों के फोन में चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ये कोई कॉल करेगा और कॉल का डेटा भी रिकॉर्ड है वो डिलीट कर देगा। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों के फोन के अंदर जो जो भी चीजें SMS हो गया, ईमेल हो गया, फोटो, कॉन्टैक्ट, रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप, कैलेंडर, जो भी है सारी चीजें यहां पर ये बेसिकली यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप लोगों की लोकेशन जाननी हो तो GPS जो है आप लोगों का ऑन कर देगा, आप लोगों का कहां पर कहां एग्जैक्टली कहां पर है आप लोगों का कैमरा भी ऑन कर देखा जा सकता है, और आप लोगों का माइक्रोफोन भी एक्टिव कर सकता है तो आप लोगों की आवाजें भी सुन सकता है कि किसी के साथ में बैठकर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ये हरकतें देखने को मिलती है, तो पेगासस वायरस जो है वो एक अलग ही लेवल की चीज होगी, तो किसी को अंदर तक बेसिकली खंगाल देना, ठीक है। तो यहां पर SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आई मैसेज, या फिर अननोन कोई वल्नरेबिलिटी दूसरे की लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक कर लो, काम हो गया, तो वो चीजें सारी देखने को मिल जाती है। तो अगर कोई बोले कि यार हमारे देश में इसको लेकर रूल और रेगुलेशन है, तो हाँ कई सारे रूल और रेगुलेशन है, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो इसके चलते काम करना चाहिए, 2018 में स्टार्ट किया गया था। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 2017 में आप लोगों को ये देखने को मिली, साइबर जो बेसिकली स्वच्छता केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 का, इसके तहत यहां पर चीजों को ढंग से हैंडल करने की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इंडियन साइबर जो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा, इसी के साथ में नेशनल जो क्राइम जो यहां पर रिपोर्टिंग सेंटर, रिपोर्टिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT तो इंडिया वाला है ही है। लेजिस्लेशन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का, तो इनके बेस पर काम करना चाहिए जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कानून के हिसाब से काम हुआ तो सही है, वरना दिक्कत है। तो ये कई सारे मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, तो जो काफी इंपोर्टेंट मुद्दा था वो जो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये वाली स्लाइड आप लोगों को नहीं बोलनी है, ठीक है। तो एक तरीके से बोलूं तो ये आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेकर भी रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो इंपोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल निकल कर आ रहा है, ये है MG नरेगा के बारे में बात की जा रही है। क्यों रिसेंटली अभी यहाँ पर ये कास्ट के नाम पर इसके अंदर डिवीजन देखने को मिल रहा है, कास्ट के नाम पर मतलब इनके ये इस कास्ट के लोग हैं इनको पहले पैसा दे दो, ये दूसरी कास्ट के लोग हैं इनको बाद में पैसा देना, तो ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से नहीं जो चीजें होनी चाहिए उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो इसको गलत तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बातें यहाँ पर बोली गई, तो इसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो अगर बात करें MG नरेगा में, वैसे कई सारी प्रॉब्लम आज के दिन में देखने को मिलती है, इश्यूज अगर बात करें तो सबसे पहले तो बात यहाँ पर यह है
कि जितना वेज के बारे में बात की जाती है उतनी वेज जो है वो लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो फाइनेंसिंग है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, पेमेंट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। जजमेंट भी यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो पेंडिंग वेज पड़ी हुई है उनको अलाउ करो जल्दी से जल्दी, पर वो भी अलाउ नहीं किया गया। तो कई सारे मुद्दे हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग ये समझिए एमजी नरेगा के बारे में। ये वर्ल्ड में एक ऐसी लार्जेस्ट स्कीम है जो कि यहाँ पर गारंटी काम देती है, यानी कि अगर आप लोग जाते हैं और आप लोग काम मांगते हैं तो आप लोगों को 100 दिन का काम गारंटी दिया जा सकता है। पर लेकिन अगर आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने बोला मुझे काम चाहिए और आप लोगों ने रजिस्टर करा लिया, काम नहीं मिल रहा है, तो कॉम्पनसेशन मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। जब तक काम मिलेगा तब तक कॉम्पनसेशन मिलता रहेगा, फिर आप लोग काम मिल जाएगा, ठीक है। लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 में, और एक एक्ट भी यहां पर लाया गया, यानी कि एक स्टैट्यूटरी ये पूरी स्कीम है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है 2005 में लाया गया, उसके हिसाब से यहां पर सारा काम चलता है। तो ये हम लोगों को एक लीगल राइट दे दिया, यानी कि लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार कि हम लोगों को काम मिलेगा। तो लीगल राइट के बारे में बात की ना भी आप लोगों से, मैंने डिस्कस किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले एक तरीके से फंडामेंटल राइट था, पर लेकिन अभी वो लीगल राइट बन गया, यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया है। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहां से काफी ज्यादा फायदे देखने को मिले जब से यहां पर राइट टू वर्क आ गए, तो काफी लार्ज स्केल पॉवर्टी को हम लोग हटा पाए, ठीक है। तो 1/3 बेनिफिशियरी जो बोला गया इसमें वो वुमेन होगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिक फीचर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वेज जो है वो डायरेक्टली आप लोगों के अकाउंट में जाएगी। फिक्स टाइमलाइन रख दी गई है। अनएम्प्लॉयड को अलाउंस दिया जाएगा 100 डेज तक का, आप लोगों को ये टारगेट दिया गया। पर लेकिन अभी COVID-19 के चलते और भी ज्यादा इसके अंदर कुछ चेंज किए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह, जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है, बेसिकली इसको याद रखिएगा कि वेज मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी जो मिनिमम वेज है, यानी कि मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से वेज आप लोगों को देनी है। और मिनिमम वेज का पहले फॉलो किया जाता था मिनिमम वेज एक्ट 1948, पर लेकिन अभी कोड ऑन वेजेस ये यहां पर 2019 में इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। डिमांड ड्राइवन स्कीम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मानिएगा क्या मानेंगे, ये है कि एक तरीके से यहां पर अगर आप लोगों ने काम मांगा और 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को काम नहीं मिला, तो आप लोगों को अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों ने तो काम मांग लिया ना, अब काम नहीं मिल रहा है तो ये उन लोगों की गलती है, उन्होंने काम नहीं दिया। तो इसके चलते समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट कई सारी चीजें अगर लिखने के लिए कुछ आ जाए एमजी नरेगा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एसेट्स क्रिएशन करता है, यानी कि इसका यूज करके हम लोग काफी कुछ बना पाते हैं कि हम लोगों ने खड़ंजे बना दिए, ठीक है, नालियां साफ कर दी गांव में, और भी कई सारे प्रोडक्टिव काम हो जाते हैं। इसी के साथ में एग्रीकल्चर वेजेस भी बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इंपावरमेंट करता है वुमेन का, 1/3 वुमेन होनी चाहिए तो इंपावरमेंट देखने को मिलेगा। अपलिफ्टमेंट करता है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन SC और ST का, यानी कि अगर वो काम कर रहे हैं तो आसानी से उनकी जिंदगी यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आएगी। रिड्यूस करते हैं यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रेस जो माइग्रेंट वर्कर है तो उसके अंदर डिस्ट्रेस भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एक तरीके से रिड्यूस करते हैं यहाँ पर। जगह पहले कहीं और काम करने जाते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है, अपने लोकल एरिया में ही काम मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा रूरल जो पॉवर्टी है, ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार यूज की जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराना और उसके बैंक में सारी चीजें ट्रांसफर करना, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये भी देखने को मिलता है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल जो एसेट्स है उसके बारे में बात की जाती है, लंबे समय तक टिकने वाली चीजें भी यहां पर बनाई जाती है। ये माना जाता है कि जो एमजी नरेगा है वो कंट्रीब्यूट करता है कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, ये हैं टोटल 8, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, पर इन 17 में से 8 ऐसे हैं जिनको एमजी नरेगा इंप्लीमेंट करता है, यानी कि जिनको फायदा पहुंचाता है। यानी कि एक तो बोलता है कि गरीबी हटेगी, हां एमजी नरेगा हटाता है, भुखमरी हटेगी, जी हां बिल्कुल हटाता है, इनइक्विटी हटेगी, जी हटाता है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जी हां बिल्कुल बात करता है, ठीक है। इसी के साथ में गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में, हां अच्छी एजुकेशन के बारे में, हाँ जेंडर इक्विटी के बारे में, हाँ और डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो बात करता ही है। तो ये 8 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो एमजी नरेगा से रिलेटेड है। सोचो कि क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट एग्जाम में तो आप लोग क्या आंसर दे पाओगे इसका। तो ये ऐसी चीज अगर आप लोगों ने एक बार को पढ़ ली तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओगे। तो इस तरीके से होना चाहिए एमजी नरेगा जो है यहां पर, ये बेसिकली ये लिंक किया गया यहां पर इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में भी। इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब कल को अगर महंगाई होती है, आज की डेट में मान लीजिए एक तेल की जो बोतल है जो बेसिकली खाना बनाने के लिए अगर ऑयल वगैरह यूज कर रहा है, मान लीजिए वो 50 रुपए की आती है, ठीक है, कल को चलकर वो 150 रुपए की आने लगी, ठीक है, तो उसको 150 रुपए के चलते यहां पर बेसिकली सैलरी भी इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, वरना घर का खर्चा बढ़ गया तो कैसे काम चलेगा। इसी के साथ में हायर वेज बिल इंक्रीज नरेगा जो यहां पर एक्सपेंडिचर बाय 10%, ठीक है, तो ये भी बोला गया यहां पर। इसी के साथ में इंक्रीज किया गया परचेजिंग पावर रिवाइव किया गया जो यहां पर रूरल डिमांड है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। अगर मैं कुछ सारी बातें एक जगह बताऊं
तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है। जैसे कि फर्स्ट पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर एक तरीके से राइट टू वर्क के बारे में बात की गई, सारे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर किया गया। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड को ये काफी इंपोर्टेंट थी यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए, खासकर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, यानी एक तरीके से नाली खुदवा देना, गड्ढा खुदवाना, खड़ंजा बनवा देना, वो वाली चीजें। जॉब कार्ड यहाँ पर अंडर एक्ट के दिया जाता है। ठीक है, एवरी रूरल हाउस होल्ड को अगर जो काम करना चाहता है, चॉइस टू वर्क यहाँ पर मिल गया आप लोगों को। ठीक है, 50% और मोर जो वर्क यहाँ पर एक तरीके से वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंट्रोल करेगा। वर्क जो यहाँ पर फोकस किया जाता है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन हो गया, पानी को सेव करना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है लैंड का कोई, ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी कहीं पर बनानी है, ओके, इसी के साथ में मान लीजिए कनेक्टिविटी बनानी है, रोड वगैरह बनानी है, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बिचौलिया थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको हटा दिया। क्यों? डायरेक्ट बैंक अकाउंट में वो जा रहा है पैसा। और 15 दिन तक का मैंने बोला ना, अभी टाइम अगर नहीं होता तो फिर आप लोगों को यहाँ पर पैसा अकाउंट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कई सारे काम यहाँ पर देखने को मिले, और सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन अपडेट की जाती है। तो सोशल ऑडिट भी यहाँ पर रहता है कि जनता को पता रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो सारी चीजें काउंट करके यहाँ पर चलते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें की गई। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट किताब है, बेसिकली बात की जा रही है इनविजिबल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो ये जो लिखी गई यहाँ पर, ये है पढ़ने लाल, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। तो इनविजिबल एम्पायर जो बेसिकली बोला गया, द नेचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वायरस, तो वायरस की हिस्ट्री में बारे में बताया गया है। तो ये किताब यहाँ पर अभी न्यूज में है, किताबें नहीं पढ़नी है अभी फिलहाल ऐसी कोई, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो पहले सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद में फिर ज्ञान की प्राप्ति करना है सब। ठीक है, बाकी यहाँ पर फिलहाल भी एग्जाम पर फोकस रखो, किताब के नाम वगैरह याद रख सकते हैं, तो इतना आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो एवरीथिंग अबाउट वायरस इज एक्सट्रीम इन, अगर बात करें यहाँ पर, इंक्लूडिंग परहैप्स द रिएक्शन दे इवोक, यानी कि जिससे भी वो निकल कर आते हैं वो सारी एक्सट्रीम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ये बता रखी है। अब यहाँ पर SARS-CoV-2 के बारे में बात की गई, तो SARS-CoV-2 के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, ये इसको SARS-CoV-2 क्यों बोला गया, आप लोगों को पता है, पहले आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा हिस्ट्री में, तो पहले उसको वर्ल्ड वॉर बोलते थे, पर लेकिन फिर इसको वर्ल्ड वॉर 1 बोलने लगे। क्यों? क्योंकि एक और वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसको सेकंड बोलने लगे और इसको फर्स्ट बोलने लगे। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को इनका टाइम ड्यूरेशन बताना है दोनों का। ठीक है, तो देखता हूं कौन बताता है। तो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले आया यहां पर जिसको बोलते थे MERS, इसको बोलते थे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये आया यहां पर 2012 में। ठीक है, तो ये इसी का भाई था। ठीक है, जो SARS-CoV-2 बोलते हैं, पर लेकिन इससे पहले आया था SARS, इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2002 में आया था और उस टाइम पर भी यहां पर चाइना में देखने को मिला था। तो SARS-CoV-2 पहला हो गया यहां पर और SARS-CoV-2 अब दूसरा हो गया। तो ये बेसिकली चाइना से ही निकल कर आया, तो इसलिए यहां पर इसको ये नाम यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब म्यूटेशन के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है अपना आपको चेंज करना। पेरेंट है यहां पर, उसके बच्चे हो गए आगे। ठीक है, ये वेरिएंट आ गए यहां पर, न्यू स्ट्रेन आ गए यहां पर, तो ये आप लोगों को म्यूटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आरएनए में इसके चेंज हो गया, यानी पहले जैसा नेचर था अब दूसरा नेचर चेंज हो गया है। तो जेनेटिक सीक्वेंस आप लोगों को यहां पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो वायरस में ऐसा ही होता है, इसलिए वायरस जो बीमारी है, कोई भी वायरल फीवर है, ठीक है, उसकी नॉर्मली, कोई वायरस से रिलेटेड बीमारी है, उसका नॉर्मली दवाई नहीं बन पाती है। रीजन उसका ये रहता है क्योंकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल है, जरा जरा सी देर में अपनी रिप्लिका बना रहे, अपना नेचर चेंज कर रहे हैं। तो नई स्ट्रेन यहां पर आ जाती है राइबोन्यूक्लिक एसिड में जब चेंज किया जाता है। तो आरएनए वायरस जो है ओफन आप लोग ऐसी चीज देखता हूं यहां पर नजर आएगा, जो कि अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, ये था आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बेसिकली बात कर रहे हैं G20 के बारे में। तो क्या बातें कर रहे हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं बेसिकली G20 के बारे में क्या क्या चीजें। यहाँ पर G20 की मीटिंग अभी देखने को मिल रही है इटली के अंदर, तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात की गई। तो इटली के अंदर है, फिर आगे यहाँ पर होगी बेसिकली किसके अंदर, इंडोनेशिया के, और फिर होगी इंडिया में 2023 में। तो G20 में कौन कौन कंट्री आती है मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है 65%, वर्ल्ड का कितना ट्रेड है 79, वर्ल्ड की कितनी इकोनॉमी है 84, और वर्ल्ड का कितना कार्बन एमिशन होता है 80% लगभग। ठीक है, तो ये कंट्री है और यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए मोटे मोटे तौर पर, तो कई मुद्दों पर ये बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें G20 ग्लोबल इकोनॉमी हेल्थ के बारे में बात की गई, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया। तो 150 के करीब कंट्री जो है वो आज के दिन में COVID-19 से इंपैक्टेड हुई, मतलब बहुत सारी इंपैक्टेड, 150 के करीब कंट्री की हम लोगों ने हेल्प की। तो अभी ये आर्टिकल जो था उसमें भी ये बातें मेंशन की गई कि इन सब मुद्दों पर साथ में काम हम लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोगों को ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी बात करें, तो ताकि यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके बेसिकली टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग को। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर इसके अंदर बोली जा रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहां पर, तो ये थी बेसिकली स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन। बोला ये जा रहा है कि स्कूल के अंदर फिलहाल जो है अभी
कई सारे स्कूल खोले जा रहे हैं तो कोविड 19 के चलते बच्चे जाएंगे, तो बच्चों को यहाँ पर बेसिकली दिक्कत यह है कि यहाँ पर उनको खाना बेसिकली जो मिल नहीं मिल रहा था तो वो मिल पाएगा, इनके मिड डे मील स्केल के तहत यहाँ पर काम होगा। चलिए सही है, बच्चों को खाना मिल जाएगा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि बच्चों को खाना तो मिल जाएगा पर लेकिन कोविड 19 को वैक्सीन लगी नहीं है तो उसके ऊपर भी फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, 1995 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2001 में आगे चलकर ऑल गवर्नमेंट जो स्कूल और एडेड स्कूल है इसको अलाउ कर दिया, 2007 में प्राइमरी स्कूल के अंदर भी ऑल स्टेट में इसको, और फिर राइट टू एजुकेशन आ गया 2009 में, उसके तहत यहाँ पर और लार्ज स्केल पर किचन वगैरह वो सब चीजें देखने को मिली और नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इसको और इंप्रूवमेंट कर दिया। तो मिड डे मील स्कीम ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। 1995 में वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो प्रोग्राम बच्चों को खाना प्रोवाइड करने का स्टार्ट किया गया और यहाँ पर इसी के साथ में कुक्ड मील यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस स्कीम को चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया कुछ और स्कीम। ठीक है, वो स्कीम क्या थी वो मैंने डिस्कस भी की थी यहाँ पर, पीएम पोषण। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कीम यहाँ पर लेकर आएगी जो कि इसको रिप्लेस कर रही थी और भी कई सारी चीजें इसके अंदर इंप्रूव कर दी गई रिसेंटली अभी। तो ये याद रखिएगा कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम जो इसको पीएम पोषण मिला वो यहाँ पर अभी बात की गई, यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। तो मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर इनिशियल जो पीरियड है यहाँ पर 2021-22 से लेकर 25-26 तक का, तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके चलते एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर और हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हेल्थ और एजुकेशन और भुखमरी को भी कम करती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना बेसिकली, बाकी आगे देखते हैं चेंज कैसे हो पाता है चीजों को लेकर। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, और हाँ करंट अफेयर के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं तो दो वीडियो रेगुलर आप लोग को देखने को मिलती है, एक आती है रात को 9 बजे और दूसरी आती है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे वाली वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो इसके अंदर आप लोग बता सकते हैं आप लोगों का टारगेट क्या है, क्या क्या आप लोग अचीव करना है, और शाम को जब 9 बजे वीडियो आती है तो उसके नीचे लिख सकते हैं कि हाँ ये हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इस प्रोसीजर को अगर आप लोग 21 दिन तक भी फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को अपनी लाइफ में आप लोगों की प्रोडक्टिविटी में आप लोगों को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। अब कुछ यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये की जा रही है उत्तर प्रदेश में, अभी यहाँ पर बेसिकली सबने अपना मैनिफेस्टो जारी करना स्टार्ट कर दिया है, इलेक्शन की तैयारी पूरी जोरों पर यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता जो राष्ट्रीय लोक दल है जो कि अजीत सिंह की पार्टी थी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई है, तो उनके बेटे के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, बोला गया कि 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको जॉब स्कैम में अभी यहाँ पर तो यहाँ पर इनको पकड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंसान के द्वारा 2.7 करोड़ रुपए लोगों से ठगे गए, खुद ऑलरेडी ऑफिसर बना बैठा है उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हुए मतलब शर्म नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसी कई बार हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोगों को बहला जाता है कि तुमको जॉब दिला देंगे, तो ये दिक्कतें हैं। बाकी यू टर्न कर लिया गया बैन क्रैकर, इनके जो फायर क्रैकर को बैन करने की बात थी, तो 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे एनसीआर के जिनमें यहाँ पर बैन नहीं किए गए, तो बोला जा रहा है कि राइट टू जो लाइफ होती है आर्टिकल 21 के तहत उसका हनन भी कई बार होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करें तो 26 ईयर ओल्ड जो है वो सूट कर दिया गया उसके ब्रदर इन लॉ के द्वारा, क्योंकि इंटरफेथ मैरिज की यहां पर बात की जा रही थी। ठीक है, तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है यहां पर देश के अंदर में, काफी बुरी बात है सोच के अगर देखा जाए तो। ठीक है, प्रोजेक्ट 15 के बारे में बात की जा रही है, प्रोजेक्ट 15 भी तो यहां पर याद रखिएगा, इसके तहत हमारी कंट्री में स्टेट ऑफ आर्ट स्टील्थ जो गाइडेड मिसाइल यहाँ पर जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उनको बनाने की बात की जा रही है मेजोंग डॉक यार्ड लिमिटेड के द्वारा, मेजोंग डॉक्स लिमिटेड। ठीक है, तो विशाखापट्टनम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो बनाए जाते हैं चार, तो चार में से पहला जो अभी यहाँ पर शिप है वो डिलीवर किया जा रहा है इंडियन नेवी को। ठीक है, तो ये डिलीवर किया गया, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवे के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे उनको बंद कर दिया गया और बोला जा रहा है कि उन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे या तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे या फिर स्टेट के स्कूल में अब वो बच्चे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर जनरल मैनेजर है यहाँ पर बेसिकली ऑफ जोनल रेलवे उसके द्वारा ये बातें आइडेंटिफाई की गई है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। बूस्टर डोज के बारे में बात की जा रही है, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा जिनको जरूरत है, सबको नहीं दिया जाएगा, अभी सबको वैक्सीन देने की जरूरत है, पर लेकिन बूस्टर डोज के बारे में बात करेंगे जिनको 2 डोज मिल गए, कई सारी कंट्री ऐसी है बूस्टर भी डोज दे रही है, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज नहीं मिला और तुम बूस्टर की बात कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है। आगे बात करें यहाँ पर जेडेस कैडिला जो है उसको बोला गया कि बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट दवाई है, तो अभी मार्केट में आएगी, उसका प्राइस भी रिड्यूस किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अमित शाह साहब के द्वारा बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अमूल को ऐसा नहीं कि बस ओनली डेयरी वाले फील्ड में आना चाहिए, और भी काम अमूल यहां पर कर सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में याद रखिएगा, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, इसके चलते कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 19 में फर्स्ट का सी इसके अंदर है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43B ये क्वेश्चन पूछा गया अभी स्टेट पीसीएस के अंदर में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट जो 9th के बी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे
करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंचायती राज सिस्टम यहां पर है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है आर्टिकल 243 से 243O। पर यहां पर बात करें म्युनिसिपैलिटी के बारे में तो ये यहां पर 11th ए में है, आर्टिकल 243P से 243ZG म्युनिसिपैलिटी। अगर बात करें 11th जो 9th बी में आप लोग जाएंगे तो 243ZH से लेके 243ZT, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलेगी। तो इसमें इसको ऐड किया गया है बेसिकली यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये अभी बात की जा रही है किसके बारे में, ये डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन को बोलते हैं यहां पर बेसिकली प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। नॉर्मली पहले ये माना जाता था कि ये ओनली पाकिस्तान में पाई जाती है, पर रिसेंटली अभी ब्यास रिवर के अंदर भी बोला गया ये पाई गई है। तो IUCN की लिस्ट में जाएंगे तो इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके चलते यहां पर न्यूज में, तो यहां पर पंजाब के अंदर हरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इसको देखा गया है, लोअर पंजाब के अंदर। तो अभी यहां पर इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी G20 की मीटिंग के बारे में आप लोगों को बताई थी सारी बातें, पर लेकिन अभी जो मीटिंग हुई इसमें नो कमिटमेंट की बात की जा रही है। कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया कि कोयले को ये खत्म करेंगे जितना कोयला कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी बात की जा रही है कि 100 बिलियन रुपए इकट्ठा की जाएगी, COVID-19 को टैकल भी किया जाएगा। ये एक तरीके से अगर ग्लोबल कंट्री जो है वो कमिट करेंगे, एंड करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जिसमें कोयले को रोका जा सके। पर लेकिन इंटरनेशनल की तो बात की जा रही है, पर डोमेस्टिक कोयले को यूज करें यानी कि घरों में यूज करें उसके बारे में कोई बात नहीं की है। इसी के साथ में जो नेट जीरो की बात की जा रही है मिड सेंचुरी यानी कि 2050 तक का, तो देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं। पर इंडिया ने एक अभी यहां पर चीजें इशू की गई जिसमें एक पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में यह बताया गया कि हमारी कंट्री अभी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम एमिशन कर रही है, बहुत सारी कंट्री है जो ह्यूज एमिशन कर रही है, तो उसके ऊपर नजर डालने की कोशिश की गई। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बोला गया नेक्स्ट यहां पर कि वो काफी ज्यादा अभी बेसिकली सिकुड़ गया है, एग्रीकल्चर माइनिंग इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी सर्विस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सर्विस ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल रियल एस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कई सारे सेक्टर के बारे में बात की गई क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो बेसिकली रटना नहीं है, ऐसी चीजें जो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इनको रटने बैठ जाओ। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मोटिवेशनल कोड देखी, इसके बाद मैंने ओवरव्यू आप लोगों को बताया, डेटा पॉइंट के बारे में हम लोगों ने नजर डाली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक पैगासस वायरस के बारे में काफी डिटेल में आर्टिकल समझा, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और मैंने आप लोगों को रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो सारी चीजें और कई सारे और मुद्दे, फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने एक सेक्शन आप लोगों को कवर करा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, बाकी कहां से निकल कर आ रहा, क्या पैगासस वायरस है और हमारी कंट्री में क्या रूल और रेगुलेशन है, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर कवर करी। आगे हम लोगों ने जो बात की ये एमजी नरेगा के बारे में बात की, तो बेसिक क्या है एमजी नरेगा और क्या क्या काम है यहां पर इस तरीके से और क्या क्या इंपैक्ट डालता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में कैसे एमजी नरेगा कनेक्ट है, ये हम लोगों ने जाना। एक किताब किस लिए बनाई गई और क्या यहां पर चीजें इसके बारे में हम लोगों ने समझा। वेरिएंट जो यहां पर कि क्या होता है, व्हाट इज द म्यूटेशन, वो भी हम लोगों ने समझा, ठीक है। G20 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या चीजें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्या क्या मुद्दे हैं वो सारे मैंने आप लोगों को यहां पर बताए, उसके बारे में आइडिया रखना। यहां पर हम लोगों ने पीएम पोषण स्कीम के बारे में बात करी, किससे कनेक्ट है और क्यों लॉन्च की गई है, और इसी के साथ में यहां पर मिड डे मील स्कीम क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने समझा, इंपॉर्टेंट था यहां पर ये भी। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आर्टिकल था उसमें हम लोगों ने बात की डेथ पेनल्टी और वो सब चीजें, ये काफी डिटेल में आर्टिकल था, इसके ऊपर आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा, उसको जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी हम लोगों ने न्यूज एलिस के अंदर में जो वन लाइनर में कई सारी चीजें देखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जिनके बारे में पता होना चाहिए चल क्या रहा है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना, ठीक है। इसी के साथ में डॉल्फिन के बारे में और G20 मीटिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बेसिकली बात की क्या क्या काम कहां पर क्या क्या चल रहा है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक दिए बगैर मत जाना, वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, एक सेकंड लगेगी, बाकी PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठे मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।